हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आकाश राणा, पीजीटी कॉमर्स। और आज टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम आपको टॉपिक से जोड़ते हैं। चलिए, आप सोच रहे होंगे आज सर ये दो बिस्किट्स के रैपर या बिस्किट की इमेजेस शो कर रहे हैं, क्या रीज़न है? देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो टाइप के बिस्किट हैं। एक है ओरियो, जो कैडबरी कंपनी का है, जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसके बारे में जिसको आपने खाया भी होगा, टेस्ट भी किया होगा, है ना, बहुत टेस्टी होता है। और कैडबरी कंपनी है, बहुत फेमस है, टीवी पे एड आप रेगुलरली देखते हैं, आप बहुत सारे पोस्टर्स देखते हैं, पैम्पलेट्स में इसकी फोटो देखी है। एक दूसरा है गाइड चोको बिस्किट। अब ये आपने नाम कभी सुना ही नहीं है, कुछ अलग ही नाम है, ऐसा ब्रांड है जिसका कोई ब्रांड भी नहीं है, तो इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब ऐसे में अगर आपको ये दोनों बिस्किट्स 10 रुपए की कॉस्ट पे मिल रहे हैं, 10 रुपीज की कॉस्ट है गाइड बिस्किट की भी और 10 रुपीज की कॉस्ट है ओरियो बिस्किट की भी, ठीक है, तो आप इन दोनों में से किसको चूज करेंगे? तो आप मोस्टली स्टूडेंट्स या मोस्टली पर्सन्स जो हैं वो चूज करेंगे ओरियो को। ओरियो को चूज करने का रीजन क्या है? फर्स्ट इज क्यों? क्योंकि ये कैडबरी कंपनी का है, आपके पास एक ब्रांड है। दूसरा, आपको पता है इसकी क्वालिटी जो है वो इससे बेटर होगी, बेशक इसमें क्वांटिटी ज्यादा हो, हो सकता है इसमें 10 बिस्किट्स है, इसमें 9 ही बिस्किट्स हों, बट फिर भी आप इसको ही परचेज करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको इस पर ट्रस्ट है, इसकी एक पहचान है। तो इस इमेज और पहचान जिसकी वजह से आप गाइड को छोड़ करके ओरियो बिस्किट परचेज कर रहे हैं, दैट्स द गुडविल। क्यों? क्योंकि वो एक इसकी रेपुटेशन है। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट्स द गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन। इट्स अ फर्स्ट सॉरी थर्ड चैप्टर ऑफ 12th स्टैंडर्ड एंड टुडे वी डिस्कस अबाउट द थियोरिटिकल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, थ्योरी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ गुडविल। गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ अ फर्म विच हेल्प्स टू अर्न प्रॉफिट एक्सीड्स ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। एक ऐसी रेपुटेशन जो एक बिजनेस एंटरप्राइजेस को नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट कमाने में हेल्प करे। जैसे अभी एग्जांपल लिया मैंने ओरियो बिस्किट का, ओरियो बिस्किट और गाइड बिस्किट, तो आप ओरियो की तरफ मूव करेंगे, दोनों का प्राइस सेम है, क्वांटिटी गाइड की ज्यादा है, तो भी आप ओरियो की तरफ जाएंगे, क्योंकि क्वालिटी उसकी एक रेपुटेशन है, उसकी एक अपनी पहचान है, आइडेंटिटी है, और उसको आप बहुत अच्छे से ट्रस्ट कर सकते हैं। तो एक ऐसी रेपुटेशन जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करे, ऐसी रेपुटेशन को हम कहते हैं गुडविल। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। अब दो रेस्टोरेंट है, एक मिर्ची राम एक हल्दी राम, इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, गए भी होंगे कई बार, यहां पर आपको इसके बारे में कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। सपोज दोनों ही जो भी आपको स्नैक्स अवेलेबल कराते हैं, जो भी आइटम्स अवेलेबल कराते हैं, दोनों के प्राइसेस सेम है, हो सकता है इसके प्राइसेस में थोड़ी सी कमी भी हो, बट फिर भी आप इस रेस्टोरेंट में जाना प्रेफर करेंगे बजाय मिर्ची राम के। क्यों? क्योंकि हल्दी राम की अपनी एक रेपुटेशन है, हल्दी राम के नाम को सुनकर के ही कस्टमर अट्रैक्ट हो जाता है और कस्टमर इस तरफ मूव करता है। इधर हो सकता है क्वांटिटी ज्यादा मिल जाए, हो सकता है थोड़ा सा प्राइस कम मिल जाए, बट क्वालिटी जो है वो मेंटेन की है हल्दीराम ने, वो एक रेपुटेशन है हल्दीराम की, इसीलिए हम हल्दीराम को चूज करेंगे बजाय मिर्ची राम के। तो ये जो दोनों में डिफरेंस है, ये जो रीजन है जिसकी वजह से हमने हल्दीराम को चूज किया, दैट्स द गुडविल। चलिए गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहले इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल मीन्स विच डजंट हैज फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, जिसे ना ही देखा जा सकता है ना ही छुआ जा सकता है, इट कैन नॉट बी टच और सीन, इट कैन ओनली फील। हम इसे सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे अब हल्दीराम के पास कस्टमर्स अट्रैक्ट हुए, हल्दीराम वाला पकड़ के लेके तो नहीं गया, बुलाने तो नहीं आया, बट फिर भी गए, ओरियो बिस्किट परचेज किया हमने गाइड बिस्किट को छोड़ करके। क्यों? क्योंकि हमें उसकी वैल्यू पता है, वो उसकी एक रेपुटेशन है। तो ये रेपुटेशन जो है वो दिखाई नहीं देती, ये एक इनटेंजिबल है,
जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो इसलिए कहते हैं हम इसे इंटेंजिबल एसेट्स। ये एक एसेट्स है, एसेट्स जो बिजनेस में हमें प्रॉफिट अर्न करने में, बिजनेस में अर्निंग करने में हेल्प करते हैं, दैट्स द एसेट्स। तो इनटेंजिबल एसेट्स है जिसकी कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। नेक्स्ट, हेल्प्स टू अर्न हायर प्रॉफिट, नॉर्मल से ज्यादा प्रॉफिट। दो बिजनेसमैन एक साथ बिजनेस कर रहे हैं, अब मिर्ची राम है उसका टर्नओवर है 1 महीने का 1 लाख रुपए है, और हल्दी राम का 1 महीने का टर्नओवर 5 लाख रुपए है। दोनों में डिफरेंस क्यों है? क्यों? क्योंकि वो एक ब्रांड है, उसकी एक रेपुटेशन है, तो ये हेल्प करता है ज्यादा प्रॉफिट कमाने में। इसके बाद नेक्स्ट, अट्रैक्टिव फोर्स। जब जिस फर्म की, जिस बिजनेस की गुडविल होती है, तो उसके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, गुडविल का मतलब है एक अट्रैक्टिव फोर्स है। कस्टमर अपने आप अट्रैक्ट होता है उस ब्रांड की तरफ या उस फर्म की तरफ, उस बिजनेस की तरफ। इट इज वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस सोल्ड। हम मोस्टली क्या करते हैं, जो बुक्स ऑफ अकाउंट में गुडविल रिकॉर्ड करते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं परचेस्ड गुडविल। अब आप कहेंगे परचेस्ड क्या है, तो अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे कि परचेस्ड गुडविल होता क्या है। लेकिन जब हम बिजनेस सेल कर रहे हो तो हम अपने बिजनेस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तब हम गुडविल की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं या करते हैं। नेक्स्ट इज अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर्स। गुडविल जो बहुत सारे फैक्टर्स से इफेक्ट होती है, जैसे आपकी मार्केट लोकेशन क्या है, आप किस तरीके का बिजनेस कर रहे हैं, ये सब चीजें जो है इफेक्ट करती हैं गुडविल को। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ गुडविल, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस, आप किस नेचर का बिजनेस कर रहे हैं। आप किसी ऐसे चीज का बिजनेस कर रहे हैं जिसकी डिमांड मार्केट में ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा लोग परचेज करते हैं, तो ऐसे अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी गुडविल ज्यादा होगी। लोकेशन, आपने एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट खोला बट वो रेस्टोरेंट मेन रोड पर नहीं है, वो एक पतली सी गली में जा करके है। अब आप उस गली में जाएंगे तो आपको क्या लगता है कि कस्टमर ज्यादा से ज्यादा आएंगे? नहीं। देखिए, सिंपल सी चीज है, हम बिजनेस स्टडीज में भी एडवर्टीजमेंट पढ़ा है, कहीं भी आपने एडवर्टीजमेंट के बारे में सुना होगा, जो दिखता है वो बिकता है। एग्जैक्टली। तो अगर आपकी लोकेशन अच्छी नहीं है, आपके बिजनेस की बिजनेस प्लेस अच्छी जगह पर नहीं है, जहां पर कोई आता जाता नहीं है या फिर पहुंचने में प्रॉब्लम है, ऐसी लोकेशन पर अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी गुडविल डाउन होगी। बट अगर आप अच्छी जगह बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी गुडविल इंक्रीज होगी, गुडविल बनेगी। नेक्स्ट इज एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, आप कितना अच्छा मैनेज करते हैं चीजों को, आपका मैनेजमेंट क्या है बिजनेस का। अगर बिजनेस का मैनेजमेंट अच्छा है तो बिजनेस की रेपुटेशन बनेगी, अदरवाइज रेपुटेशन डाउन होगी। नॉर्मली आप घर पर भी देखते हैं, आपके घर पर कोई गेस्ट आया तो आपके घर वाले जिस तरीके चीज़ों को मैनेज करके रखते हैं, प्रॉपरली सफाई से, प्रॉपरली कोई चीज़ अगर उन्हें सर्व कर रहे हैं तो, और आप लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं उनके सामने, ये सब चीज़ें मैनेजमेंट से आती हैं। तो ऐसे ही एक बिजनेस जब मैनेजमेंट करता है तो अगर उसका मैनेजमेंट अच्छा होगा तो उसकी रेपुटेशन बनेगी। नेक्स्ट इज मार्केट कंडीशंस। अब मार्केट कंडीशन क्या हुआ, आपने किसी ऐसी जगह अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया जहां पर उस चीज की नीड ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है। आप एक बुक की मार्केट में जाकर के जींस की शॉप खोल ले तो वहां पर आपकी परचेजेस जो होगी वो डाउन जाएगी, यानी आपकी गुडविल नहीं बनेगी, रेपुटेशन नहीं बनेगी। नेक्स्ट इज अदर फैक्टर्स लाइक क्वालिटी, सर्विस आफ्टर सेल। आपने गुड्स बेच दिए, सामान बेच दिया, उसके बाद आप क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या फीडबैक ले रहे हैं, क्या आप उनसे बात कर रहे हैं कस्टमर से। इसके अलावा क्वालिटी, आप क्वालिटी कैसे दे रहे हैं, क्योंकि एक बार कोई पर्सन क्वांटिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर सकता है बट क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। तो क्वालिटी अगर आपकी अच्छी होगी तो आपकी रेपुटेशन अच्छी होगी। दैट्स द फैक्टर्स अफेक्टिंग द गुडविल। चलिए, फैक्टर्स के बाद अब है नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यूएशन की नीड क्या है, देखिए सबसे पहले चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर हम पार्टनरशिप की बात करें जिसमें एक से ज्यादा पर्सन मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं, उसमें अगर पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप चेंज हो जाता है, ए बी सी रेशियो थी 3:2:1, नाउ दे डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट इक्वली, यानी 1:1:1 इक्वल प्रॉफिट बांट रहे हैं, तो चेंज होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तब हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ए बी बिजनेस कर रहे हैं, सी को नया जोड़ लिया, तो तब भी हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। रिटायरमेंट या डेथ, अगर मान लीजिए ए बी सी बिजनेस कर रहे हैं, बी के बेचारा की डेथ हो गई या बी रिटायर हो गया, फर्म को छोड़कर चला गया, तब हमें गुडविल के रिटायर वैल्यूएशन की नीड होगी। नेक्स्ट इज एमल कमीशन ऑफ टू फर्म,
ए और बी एक बिजनेस कर रहे हैं, सी और डी एक बिजनेस कर रहे हैं, दोनों को मर्ज कर दिया, दोनों चारों ने मिलकर के ए बी सी डी ने मिलकर के एक बिजनेस बना दिया, तब भी दोनों फर्म की गुडविल की वैल्यू निकाली जाएगी। और वेन फर्म इज सोल्ड, अगर कोई बिजनेस सोल्ड किया जा रहा है, सेल किया जा रहा है, तब हम गुडविल फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ गुडविल, गुडविल के टाइप्स क्या हैं। तो सबसे पहले परचेस्ड गुडविल, सपोज आप एक रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हैं, बट आपको पता है कि मार्केट में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, कुछ तो इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जहां पर लोग सिर्फ नाम सुन करके जाते हैं। अब अगर मान लीजिए जैसे हल्दीराम मिर्चीराम का भी एग्जाम्पल लिया था, आप मिर्चीराम जैसा रेस्टोरेंट खोल देंगे तो आपकी अर्निंग नहीं होगी, कस्टमर्स नहीं आएंगे। तो आपने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं एक रेस्टोरेंट खोलूँ और एक फ्रेंचाइजी ले लूँ। हल्दीराम वाले के पास गए, आपने उससे कहा कि मैं आपके नाम को यूज़ करके अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपका नाम यूज़ करना चाहता हूँ। तो उस सिचुएशन में, क्योंकि उसकी एक रेपुटेशन है, वो अपना नाम यूज तो करने दे रहा है बट उसके बदले में कुछ पेमेंट लेगा। अब मान लो मैंने हल्दीराम का नाम यूज करने के लिए उसे 1 करोड़ रुपीज पे किए, दैट्स द परचेस्ड गुडविल, यानी मेरे पास मेरे बिजनेस की भी रेपुटेशन बन गई, क्योंकि मेरे बिजनेस पे अब नाम किसका है, हल्दीराम का, तो मेरे बिजनेस की भी रेपुटेशन हो गई है। अब वो रेपुटेशन जो परचेज की है मैंने, दैट्स द परचेस्ड गुडविल, यानी गुडविल विच इज एक्वायर्ड बाय पेमेंट ऑफ सम अमाउंट, यानी जब कुछ अमाउंट दे करके गुडविल परचेज की जाती है, गुडविल रेपुटेशन खरीदी जाती है, दैट्स द परचेज गुडविल। नेक्स्ट इज नॉन परचेज गुडविल, नॉन परचेज गुडविल क्या होता है, वो गुडविल जो पैसे दे करके नहीं, अपने खुद के एफर्ट से जनरेट की जाती है। जैसे हल्दीराम का भी एग्जाम्पल लिया, हो सकता है हल्दीराम ने भी तो कभी बिजनेस स्टार्ट किया होगा, वो जीरो से किया होगा, उसकी कोई पहचान नहीं होगी, उस बिजनेस को आज के मुकाम तक लाने तक, आज जो उसकी वैल्यू है, आज जिस स्टेज पर वो बिजनेस है, जो दूसरे लोगों को अपनी फ्रेंचाइजी दे रहा है, दूसरे लोगों को अपना नाम यूज करने के पैसे ले रहा है, ऐसे स्टेज तक लाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स किए गए होंगे, बहुत सारा हार्डवर्क है, बहुत एफिशिएंट मैनेजमेंट किया होगा। तो जब ये सब किया गया है, वो खुद से किया है, तो यानी ये सेल्फ जनरेटेड है। तो गुडविल विच इज अर्न बाय एफर्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के एफर्ट से जब गुडविल जनरेट की जाती है, दैट्स द नॉन परचेज गुडविल, उसे परचेज नहीं किया जाता, इट इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और इस गुडविल कहते हैं हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो ये दोनों में डिफरेंस था, परचेज गुडविल जो पेमेंट से मिले और नॉन परचेज जो खुद से जनरेट की जाती है। एक और डिफरेंस है, परचेज गुडविल को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करते हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, बट नॉन परचेज गुडविल को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करते। नॉन परचेज गुडविल कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होती है। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको चीज समझ में आई है। मैंने ये टॉपिक आज जो आपको कराया है गुडविल, इसका थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो गया है, तो अब आप इसके बेस पर स्टडी कीजिए और इस टॉपिक को अच्छे से समझिए। थैंक यू सो मच।